क्या आप भी माइक्रोनिश पे काम करके काफी पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन डिफिकल्टी ये है कि माइक्रोनिश से पैसा कमाई कैसे। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपनी माइक्रोनिश को फाइंड भी कर सकते हैं और आप एक अच्छा खासा पैसा भी उस निश से कमा सकते हैं। तो जानने के लिए 5 स्टेप्स को वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सबसे पहले बात ये समझना जरूरी है कि माइक्रोनिश होता क्या है। सो माइक्रोनिश कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, माइक्रोनिश बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि किसी बड़ी निश का ही एक छोटा सा सेक्शन, एक छोटी सी कैटेगरी जिसके ऊपर में हम काफी काम करके, सिमिलर उसी कैटेगरी के अंदर काम करके हम जो ट्रैफिक जनरेट करते हैं उससे पैसा कमाते हैं, इसी को हम माइक्रोनिश कहते हैं। अब माइक्रोनिश जो सेकंड स्टेप है हमारा, हाउ टू फाइंड आउट माइक्रोनिश, माइक्रोनिश फाइंड कैसे करेंगे। तो माइक्रोनिश को फाइंड करना भी कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल से रिलेटेड आपका एक बहुत बड़ा निश है, ट्रैवल के अंदर बहुत बड़ी निश हो सकती है। ट्रैवल में आपके ट्रैवल बाय बस हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, ट्रैवल डेस्टिनेशन हो सकते हैं, होटल बुकिंग हो सकती है, होटल रिव्यूज हो सकते हैं, राइट, बेस्ट रूट हो सकते हैं ट्रैवल के लिए। तो बहुत सारे निश इसके अंदर अवेलेबल है, यानी कि बहुत सारी कैटेगरीज इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये आपका एक मेन निश हो गया ट्रैवल, उसी के अंदर की जो कैटेगरीज हैं आप उसमें से किसी भी एक कैटेगरी को सेलेक्ट करके आप उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप ऐसी जो डेली यूज वाली जो हमारी यू कैन से जो हमारे आइटम्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ में काम करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा एफिलिएट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको जाना है Amazon पे। Amazon पे जाके बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उसमें से जो भी बेस्ट सेलर कैटेगरीज आपको लगती हैं उस पे काम करना स्टार्ट करें, तो यहां से आप माइक्रोनिश को फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा स्टेप आता है कि किस तरह से वॉल्यूम को कैसे चेक करना है, उसका कंपटीशन कैसे चेक करना है। भाई निश तो सेलेक्ट कर ली, लेकिन उस पे वाकई ट्रैफिक भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक करना जरूरी है। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे कोई बड़े पेड टूल्स की बात नहीं करूंगा, बिकॉज हर किसी के पास में वो पेड टूल्स नहीं है, तो डेफिनेटली हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर पेड टूल्स नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आपके पास में गूगल का अकाउंट है, आप गूगल के अकाउंट के अंदर जाके आप जो है गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल कीजिए और वहां से आपको उसका कंपटीशन भी मिल जाएगा। एंड स्टार्ट विद लो कंपटीशन, जिसपे कंपटीशन कम दिखाए, ऐसी जो आपके यू कैन से कीवर्ड्स हैं उसी पे काम करना स्टार्ट करें, और मेक श्योर ये करना है कि उसके ऊपर में कुछ आपके सर्च वॉल्यूम भी होने चाहिए। तो ये आपका तरीका है, फ्री के टूल का इस्तेमाल करके आप ये चेक कर सकते हैं। गूगल एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आप ये सारी चीजों को काफी अच्छा जो है चेक कर सकते हैं, बिकॉज गूगल के पास सबसे ज्यादा अच्छा रिलायबल सोर्सेज हैं उन सब चीजों को आपको डिस्प्ले करके देने के लिए। चौथे स्टेप पे आता है कि ट्रैफिक कंसिस्टेंसी कितनी है। अब माइक्रोनिश हमने सेलेक्ट कर भी ली, राइट, जैसे कि एग्जांपल के लिए से फॉर एग्जांपल विंटर वेदर, विंटर जैकेट्स की बात करें या विंटर क्लोथ्स की बात करें, विंटर क्लोथ्स में बहुत सारे आ गए लेकिन जैकेट एक उसका स्पेसिफिक माइक्रोनिश हो गया। अब क्या मैं विंटर की जो जैकेट्स हैं उसके ऊपर में अगर मैं काम करता हूं तो क्या मुझे हमेशा उससे अर्निंग होगी? द आंसर इज नो। तो कैसे चेक करें जो हमने इन माइक्रोनिश सेलेक्ट करी है क्या उस पर कंसिस्टेंट ट्रैफिक है कि नहीं है, यानी कि वो आपका सीजनल तो नहीं है, क्या वो हमेशा चलेगा, क्या हमें हर महीने अर्निंग होगी? द आंसर टू दिस आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको जाना है गूगल ट्रेंड्स के ऊपर में, trends.google.com पे चले जाएं, वहां पे जाके जो भी आपकी माइक्रोनिश है उसको लिखें, और लिख के जब आप करेंगे और पिछले 12 महीने के अंदर अगर आपको उसका ग्राफ जो है कंटिन्यू मिलता है तो विच मीन्स आपका जो इस निश के ऊपर में जो ट्रैफिक है वो हमेशा का है। उससे बाद आप 5 का करके देख लें, उसमें भी अगर आपको ट्रैफिक मिलता है तो एक काफी ब्रॉड एरिया आपको मिल जाता है जिसके ऊपर आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि इस निश के अंदर आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर वो आपका कांस्टेंट चल रहा है, राइट, तो विच मीन्स आप उस पे काम कर सकते हो और आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। नाउ फाइनली 5वां स्टेप हमारा ये आता है कि वाकई जो हमने निश सेलेक्ट करी है उस पे हमने जो है ये भी चेक कर लिया, सारी चीजें चेक कर ली, कितना कंपटीशन वगैरह है या कितना सर्च वॉल्यूम है वो हमेशा उस पे आपका जो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी ये सब चेक कर लिया, लेकिन अर्निंग होगी कि नहीं होगी ये कैसे चेक करें। सो बेसिकली अर्निंग चेक करने के लिए हमें बहुत ही सिंपल सा मेथड का इस्तेमाल करना है,
राइट। और सिंपल सा मेथड ये है कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए ट्रैवल ब्लॉग से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, तो ट्रैवल ब्लॉग में अगर आप कोई होटल रिव्यूज कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर आप सिर्फ होटल रिव्यूज कर सकते हैं और उस पे से जो ट्रैफिक आएगा और उस ट्रैफिक को आप जो है मोनेटाइज कर सकते हैं गूगल एड्स के जरिए। अब गूगल एड्स के जरिए मोनेटाइज करके तो डेफिनेटली आप उससे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करें रेफरल की राइट, तो उसमें आपको काफी ज्यादा टाइम जो है वो लगाना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपके पास में जब तक बहुत ज्यादा अच्छा ट्रैफिक नहीं होता है, आपका एक बहुत बड़ा ब्रांड टाइप नहीं बन जाता है, तो आपको ज्यादा अर्निंग उससे नहीं होगी। हाँ, नो डाउट गूगल एड से काफी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको डबल रेवेन्यू करना चाहते हो, तो आप इसमें क्या करें, ऐसी आइटम्स में, ऐसे प्रोडक्ट्स में जो है निश को सेलेक्ट करें जिसमें आप जो है, जैसे मैंने बताया अमेजोन है या कोई अदर वेबसाइट्स हैं, उनका आप एफिलिएशन कर लें, राइट। उससे क्या होगा कि आपको गूगल के जो एड्स लगी हैं उससे भी अर्निंग होगी, और एट दी सेम टाइम अगर कोई वहां पे क्लिक करके अमेजोन वगैरह से बाय करता है, परचेस करता है, तो उससे भी आपको कमीशन मिलेगा। अगर वॉल्यूम है, सब कुछ है, तो डेफिनेटली आपको अर्निंग भी होगी, ये गारंटी है, राइट। सो अभी जो है ये पांच ऐसे स्टेप्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर में आप एक पर्टिकुलर निश, माइक्रो निश के ऊपर में काम करके काफी अच्छा खासा पैसा जो है वो कमा सकते हैं, राइट। सो गाइस, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें, जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।